आइए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी। वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे पति हमेशा से ही एक बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही पैटर्न चला आ रहा है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। मेरी बेटी का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नजरें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोईया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वह दिखने में काफी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाक किया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए प्यार रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। अपनी बेटी के टीचर के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। मुझे जब भी मौका मिलता था, मैं उसके पास जाकर बैठ जाती थी और अपनी बेटी के बहाने उसका आना शुरू हो गई। सर्दियों के दिन थे तो वह तखत पर बिठाकर मेरी बेटी को पढ़ाता था। ऊपर तखत पर रजाई भी होती थी। तीनों एक ही रजाई में एक ही ताकत पर बैठे होते थे। मैं भी उस टीचर के बगल में आकर बैठ जाती थी। उसे भी शायद मेरा इशारा समझ आने लगा था कि मैं उसे क्या चाहती हूँ। मेरी बेटी जब पढ़ाई कर रही होती थी तो वह धीरे धीरे मेरे हाथों को सहलाने ने लगता था। उसके छूने से ही मेरे बदन में एक बिजली सी दौड़ जाती थी। अब रोज का यही सिलसिला था। मैं हर रोज उसके पास रजाई में बैठ जाती तो वो रजाई के अंदर ही मेरे बदन को सहलाने लगता था। आप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं चाहती थी कि वह जल्द से जल्द मेरे शरीर की गर्मी को शांत कर दे। एक दिन वह मेरी बेटी को पढ़ा रहा था तो मैं बाथरूम में नहाने चली गई। हमारे बाथरूम के दरवाजे में एक छोटा सा छेद था। जब मैं नहा रही थी तो वह मेरी बेटी को किसी बहाने बाहर खेलने के लिए भेज दिया और वह मुझे बाथरूम से दूर से ही देखने लगा और मौका देखते ही बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने छेद से देखा तो मेरी बेटी का टीचर था। मैं उसका इशारा समझ चुकी थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर बुला लिया, जिसमें अब उसकी मिलन के लिए और तेजी से तड़पने लगा था। उसने मुझे बाहों में भर कर अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया और काफी देर तक मेरे होठों को चूमने लगा और उसने मेरे हिसाब ने धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। एक बार को तो मेरा मन किया कि ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन फिर मुझे भी मजा सा आने लगा, क्योंकि मेरे पति तो कभी मेरे जिस्म की तड़प को शांत नहीं करते थे। मुझे उसके साथ अच्छा लगने लगा था। वह धीरे धीरे मेरे बदन को सहला रहा था और मुझे मदहोशी छाने लगी थी। आधे घंटे तक हम बाथरूम में ही एक दूसरे के आगोश में खोए रहे। अब हमारा तब भी मन करता, हम ऐसे ही एक दूसरे के जिस्म की तड़प को शांत करते। मेरे पति को अभी तक मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था और मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 7 साल की ही थी। 36 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसा कि हर सामान्य शेर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया
ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरे कुछ गंदी तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपनी पति और बेटी की घर वापस आने की आवाज सुनी। मैं काफी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका अभिवादन करने के लिए अपना फोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मैं अपने बेटे की बातों में ऐसी गुम हो गई कि मेरे पति जब वह फोन का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में गए तो मेरे अचानक याद आया और मैं डर गई। मैं भी उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा मेरे पति के हाथ में मेरा फोन था। मैं उसे लगातार स्क्रॉल कर रहा था। यह सब देखकर मैं चौंक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उसने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फोन को जमीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी इन सब चीजों से प्रभावित हो। को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि तुम किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी के साथ मेरे पति ने उस दिन के बाद मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। हम अब एक ही छत के नीचे रहकर अनजान लोगों की तरह रहते थे, लेकिन अपनी बेटी के सामने ऐसा बर्ताव करते थे जैसा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। क्योंकि हम उसका फ्यूचर नहीं खराब करना चाहते थे, मेरी बेटी अब जवान हो गई थी और हमने उसकी शादी एक अच्छे घराने में की, लेकिन आज तक भी हमने अपने रिश्ते के बारे में उसे कोई शक नहीं होने दिया था। मैं उस लड़के से रिश्ता तो तभी तोड़ चुकी थी जब मेरे पति ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन अपने पति का साथ भी मैं अब खो चुकी थी। मेरे पति ने मुझसे एक पत्नी के सारे अधिकार छीन लिए थे और आज भी हम दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। मेरे पति चाहते तो मुझे तलाक दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अपने परिवार और अपनी बेटी को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।